सूचना सहायक का टाइपिंग टेस्ट कब होना है इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, और सूचना सहायक में टाइपिंग के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इसके ऊपर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक डागोर आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों हम बात करने वाले हैं टाइपिंग टेस्ट के बारे में कि टाइपिंग टेस्ट कब होगा, सूचना सहायक का टाइपिंग टेस्ट कब होगा एक तो इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, और कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे, क्वालिफाई, ठीक है, क्वालिफाई फॉर टाइपिंग, टाइपिंग में कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, इन दो पॉइंट के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा एक चीज आपको याद रखने वाली है, भैया देखो मैंने पहले आपके वीडियो डाले थे, एक आपका कट ऑफ का डाला था मैंने, ठीक है, कट ऑफ का डाला था, एक आपके ऑफिशियल आंसर की का डाला था, ऑफिशियल आंसर की, ठीक है, ऑफिशियल आंसर की का मैंने भी एक वीडियो डाला था। इन दोनों वीडियो को मिलाकर के लगभग 10,000 व्यूज आए थे, 10,000 लोगों ने इन वीडियो को देखा था। लेकिन बड़े दुख की बात होती है, ठीक है, बड़े दुख की बात होती है कि इन 10,000 लोगों में से सिर्फ 1% लोग भी ऐसे नहीं थे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हो। ठीक है, तो भाई दादाओ हाथ जोड़ के निवेदन है तुमते, क्या करो जाए भाई, कटोरा लेके भीख तो मांगी ना जाएगी, तो इतना ही है, छोटे भाई है बहन है भाई, चैनल है सब्सक्राइब कर ले करो, है हमें बस यही मिले और कछु ना मिल रहा हो कि बस आप लोग, हाँ भाई वीडियो देख ली यार, एक सब्सक्राइब बटन करने में कौन सा आपका पेट्रोल खर्च हो जाता है, या फिर कौन सा मोदी जी की सरकार गिर जाएगी अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो, ठीक है, कौन सा स्मृति ईरानी विधवा हो जाएगी भैया, है कौन सा मेरा जो 1100 का सिलेंडर है वो भैया आपके 2200 का हो जाएगा, सब्सक्राइब कर ले करो भैया, ये तो मेरे ही काम चलने वालों, आपको काम चलने वालों सब्सक्राइब कर ले करो दादा यार, है क्योंकि बड़ा दुख से हुआ देख के नहीं यार, ठीक है, तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो भैया, ये चीज बार बार नहीं करनी पड़े, एक लाइक कर दे करो, एक सब्सक्राइब कर दे करो, बस इतना ही सो, अंगूठा ही तो चलानो है, हाथ थोड़ी चलानो है, पूरा को पूरा है। हाँ तो चर्चा करने वाले हैं हम, सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट की बात करेंगे, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट की और क्वालिफाई फॉर टाइपिंग, देखिए टाइपिंग के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा उसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो 2730 आपकी टोटल पोस्ट है, और 3 गुने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, कितने 3 गुने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, यानी कि आपके टोटल 8190 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा टाइपिंग के लिए, 3 गुने क्वालिफाई किए जाएंगे इसमें से जो पोस्ट है आपके उनके। ठीक है, अब टाइपिंग टेस्ट की बात कर लेते हैं कि टाइपिंग टेस्ट कब होगा, ठीक है, तो देखो मेरे हिसाब से जो संभावित माना जा रहा है वो अप्रैल माना जा रहा है, क्या, अप्रैल 2024, ठीक है, 25 नहीं है, 2024 माना जा रहा है। अब उसके पीछे रीजन है, देखिए कि आपके मैंने पिछली वीडियो डाली थी कि ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, तो मैंने 5 फरवरी बताई थी आपको, 5 फरवरी 2024 तक लगभग आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, इस तरीके का मैंने आपको बता करके चला था, ठीक है, लेकिन अभी लग रहा है, अभी लग रहा है कि ये और डिले हो सकती है, क्योंकि आपके 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डाउट में है, ठीक है, और अधीनस्थ बोर्ड है भाई, आप भी पता होगा अधीनस्थ बोर्ड क्वेश्चन तो दे देता है एग्जाम में, लेकिन उसे खुद ही नहीं पता रहता कि इसका आंसर क्या है, ठीक है, तो 5 फरवरी तक, और उसके बाद में आपके अप्रैल में टाइपिंग को मान करके चलिए। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अप्रैल में अगर आपकी टाइपिंग नहीं हुई तो नेक्स्ट मंथ पढ़ने वाला है आपका मई, और मई में है भैया आपके चुनाव, क्या है, मई में चुनाव है, तो मई में होगी नहीं, जून में भी नहीं होगी, फिर आपकी सीधे टाइपिंग चली जाएगी जुलाई में, कब जाएगी, जुलाई, जुलाई 2024 में आपका फिर टाइपिंग का चांस बनता है कि यहां पर हो जाए, वैसे पूरे के पूरे चांस है आपके अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में उम्मीद है कि आपकी टाइपिंग हो जाएगी, और कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, 8190 कैंडिडेट को इसमें बुलाया जाएगा। कट ऑफ की पहले हम चर्चा कर चुके हैं, कट ऑफ की, ठीक है, कट ऑफ की हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो एंड स्क्रीन पे आपके वो वीडियो लगी हुई है, वहां पर जाकर के आप कट ऑफ देख सकते हैं। और दोस्तों लास्ट अंतिम बार कह रहा हूं भाई दादाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू, धन्यवाद।